22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आमंत्रण अयोध्या से निमाड़ के संत श्री श्री राम कथा को गांव गांव तक पहुंचाने वाले श्री राम कथा वाचक मोहन भाई जी को मिला है। यह आमंत्रण विश्व हिंदू परिषद के दीपक शर्मा और अखिलेश साहू द्वारा गोकुलधाम कॉलोनी में आयोजित भावार्थ श्री राम कथा में दिया गया। संत श्री भाई जी ने बताया कि रामलला की 500 वर्षों बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका निमंत्रण मुझे दिया जा रहा है, जिससे पूरा निमाड़ धन्य हो गया है। वहीं मुझे साक्षात परमपिता परमेश्वर ने यह मौका दिया है। अभी मैंने 99 बार भगवान श्री राम की भावार्थ कथा गांव गांव जाकर सुनाई, उसका यह प्रतिफल मैं इस भव्य आयोजन का साक्षी बनूंगा। सेगांव से जितेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। हम सब सौभाग्यशाली हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन चरित्र का श्रवण आप लोग कर रहे हैं। परम श्रद्धेय भाई जी की कथा आप सब लोग श्रवण कर ही रहे हैं, और लंबे समय से भाई जी राम का चरित्र हम सब लोगों के बीच में कर रहे हैं। आप सब लोगों को ये भी ध्यान करना पड़ेगा, कई कथाओं के माध्यम से हमने सुना और देखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लेते से अंतिम समय तक त्याग ही त्याग करा है, और वो त्याग हम सब लोगों ने सुना होगा। जिस समय जन्म हुआ और ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आ गए थे माँ कौशल्या के पास काय के लिए कि आपके दो बालक दे दो हमको, काय के लिए विद्या अध्ययन कराना है उनको। तो अगर हमारी माता बहनों को करें कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को दे दें तो कैसी पीड़ा होती है। कौशल्या ने समर्पण करा, दशरथ जी ने समर्पण करा, और राम जी ने भी बाल रूप में जाकर विद्या अध्ययन करने के लिए माँ बाप का प्यार को त्याग करा। और आप सब लोगों को मालूम है जब विद्या पढ़ने के बाद आए, आने के बाद राज्याभिषेक हो रहा था, और राज्याभिषेक के समय आप सब लोगों को मालूम है कि रात में क्या कथा हो गई, और जो राज सिंहासन पर बैठने वाले सुबह हम सब के बीच में वो राजकुमार एक साधारण सा व्यक्ति बनकर हमारे बीच में 14 वर्ष के लिए फिर वो राज सिंहासन त्याग कर ये बड़ा समर्पण करके आए, है ना समर्पण। ऐसे समर्पण के साथ में आप लोगों ने देखा भी होगा कि नंगे पैर माँ सीता, छोटा भाई लक्ष्मण बार बार बोलता भैया पैर नंगे हैं, जंगल में हम लोग जाते हैं सब ग्रामीण के हैं, किस प्रकार कांटे चुभते पैर में, मालूम है ना। नंगे पैर हमारे मार आराध हमारे आदर्श जब घूम रहे थे तो कांटे चुभ रहे थे खूब। सीता माता ने बोला और लक्ष्मण जी ने बोला है कि कुछ पहनो, और नहीं भी पहनते तो ये कांटे चुभे इनको निकालो। राम जी का वृतांत है, ऐसे संतों के मुंह से मैंने भी सुना है, उन्होंने बोला है कि ये कांटे चुभे हैं, ये मेरे अंदर समाये हैं, इनको अगर निकाल दिया तो जिसने मेरे को जो आए हैं मेरे से मिलने इसलिए उनको पीड़ा होगी। तो सीता माता ने बोला कि आपको भी पीड़ा हो रही है, तो बोले मैं मेरे संतों के लिए, मैं मेरे भक्तों के लिए पीड़ा सहन कर सकता हूँ लेकिन मेरे भक्तों को पीड़ा दे नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अपने पैर के कांटे भी नहीं निकाले। कितना बड़ा त्याग, हमारे यहाँ एक कांटा चुभ जाए तो कैसे हो जाते घर में। इसलिए ऐसा समर्पण, 500 साल का संघर्ष हम सब लोग विजय प्राप्त करें, इसीलिए ये मंच से बोलने के लिए और आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। भाई जी से भी प्रार्थना निवेदन है कि हमारे बड़वानी जिले में, खरगोन जिले में, आसपास के क्षेत्र में सिर्फ भाई जी का नाम अयोध्या से निमंत्रण के लिए। भाई जी आपको अयोध्या से 22 जनवरी के लिए न्योता मिला, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। परम प्रसन्नता की बात है, पवित्रता की बात है, और फलश्रुति रामायण की ऐसी बताई है संतों ने कि जो 100 पाठ रामायण के ऊपर कर लेगा उसे भगवान का साक्षात दर्शन होगा, और संतों की कृपा से, उन्हीं कृपा से अभी 99 कथा मेरी व्यासपीठ से पूरी हो रही है। अभी 100 पाठ नहीं हुए
लेकिन भगवान करुणामय उन्होंने पहले ही दर्शन भी दे दिया और आमंत्रण भी दे दिया। यह बात सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे हुई, मेरे परिवार को हुई, मेरे गांव को हुई और ज़िले में भी जगह जगह से फोन आ रहे हैं कि भाई जी आपका निमंत्रण राम ने दिया है, ये बहुत ही अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तभी ऐसा सुयोग मिला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।